मैं वहां खड़ी थी कटघरे में उस दिन। मेरे बाएं तरफ शैतान घमंड से हंसते, दाएं तरफ स्वर्गदूत आश्चर्य से देखते। सिंहासन बहुत बड़ा, वज्रों से जड़ा, बीच में शान से रखा। न्यायाधीश बना परमेश्वर बैठा। सुनवाई शुरू की जाए। पहनी सफेद वस्त्र में लगी धुली धुली सी खुद को सोचा, क्या कह पाएगा शैतान मुझको। शैतान ने मुस्कुराते हुए अपना फाइल खोला, स्वर्ग दूतों ने कुछ न बोला। शैतान गिनाने लगा गलतियां मेरी। मैंने कहा नहीं नहीं वो मैंने किया तो नहीं, बस सोचा ही था। मगर मुझे पता चला ये कटघरा ही अलग और न्याय अलग सा था। यहाँ फैसले न सिर्फ मेरे कर्मों का है, मेरी सोच, मेरे धर्म, मेरी भावनाओं का भी है। डर गई, सहम गई, अब क्या होगा। मेरी तरफ से बोलने वहां कोई ना था। मैंने स्वर्ग दूतों की आंखों में देखा, निशब्द होठों से उनसे भीख मांगी, क्या वो मेरी तरफ से कुछ बोल पाएंगे, क्या मुझे बेगुनाह वो बता पाएंगे। उनकी बेबसी, उनकी झुकी आंखें मुझे दिखा गई। सोचा मैंने, क्या कोई ऐसा है जो मेरे लिए कुछ कह पाए। सारे रिश्ते नाते मुझे याद आए, पापा, मम्मी, भाई बहन, कोई तो कुछ। धर्म गुरुओं, विशुद्ध प्रजाओं, कोई तो कुछ कहो। मगर आवाज सिर्फ एक ही मेरे कान में गूंज रहा। शैतान पन्ने पलट पलट कर मुझे दोषी ठहरा रहा। अपने दोष को सुन मुझे खुद से ही घिन आ रहा। सफेद वस्त्र तो पहने थे मैंने, मगर अब उसका रंग लाल सा हो चला। कितनी गंदगी थी मेरे अंदर, मेरी तो हर सोच गलत, प्रवृत्ति गलत, चाल चलन हर ढंग गलत। मैंने कहा बस शैतान बस, अब मुझे और ना गिरा। मेरे खाते में नरक ही लिखा, जान गई पहचान गई तेरा अधिकार ही मुझ पर बड़ा। शर्म भरी आंखों से मैंने सिंहासन की ओर देखा। फैसला मुझे खुद है पता। कटघरे में पहले जब मैंने अपना पैर रखा था, ये जगह तेजोमय परमेश्वर के प्रकाश से भरा था। श्वेत वस्त्र से लपटी ये आलम सुंदर बड़ा था। मगर अब यहाँ अंधकार छाया, वस्त्र मटमैला, लाल रंग से रंग गया। विलाप गीत गाते मुझे सब सुनाई दे रहे, मेरा खुद का हम मुझे झुटला रहा। मगर मैंने कुछ देखा, न्यायाधीश की आंखें नम सी हो रही। मैंने सोचा मेरे पापों की गाथा सुन ये क्यों रो रहे। न्यायाधीश को न्याय सुनाना था, जो मुझे खुद अब पता था बस वही बताना था। मगर न्यायाधीश परमेश्वर कहीं और देख रहा। मैंने देखा पलट कर तो कोई आ रहा, हूबहू न्यायाधीश की महिमा से लिपटा कोई, प्रकाश से प्रकाशित, स्वेद से सफेद, तेज उसके मुख का ऐसा कि घमंड से खड़ा शैतान कांप उठा। स्वर्ग दूतों ने एक दूसरे को देखकर कहा वो पवित्र 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 बड़ा। मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा। देखते ही देखते महिमा में प्रभु यहूदा गोत्र का सिंह मुझे एक मेमने सा दिखा। बोला इसका फैसला मैंने खुद में ले लिया, छोड़ दो उसे, बदले लो मैं मरा। सारा आलम बदल गया, उस पर मेरा रक्त चढ़ गया। कोड़ों की मार वो खाता गया, लहू वो बहाता गया, मगर कपड़े मेरे साफ होते जा रहे। शैतान हार रहा, मेरे विरुद्ध लिखे हर लेख क्रूस के किलों पर चढ़ते जा रहे। भले मनुष्य के लिए कोई मरने का सोच भी ले, मगर पापी के लिए धर्मी को मरते ना देखा कभी। बेटी, प्रेमिका, पत्नी, माँ हर रिश्ते में ढली, मगर ऐसा प्यार मैंने ना सोचा कभी। अब मैं क्या करूं मसीहा मेरे, मैं क्या करूं। बोल प्रभु मैं सुन रही, बोल प्रभु मैं सुन रही। इस रक्त का, प्यार का मोल मैं कैसे चुकाऊं। हाय हो मुझे अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। सबको अब मैं ये प्रेम गाथा बताऊं। मेरे मसीहा ने मुझे शैतान के हाथ से छुड़ा लिया, न्याय से, मौत से बचा लिया। अब सबको ये बता रही जाऊं। बोल प्रभु मैं सुन रही, बोल प्रभु मैं सुन रही। इस प्यार का मोल मैं कैसे चुकाऊं, तेरे निश्चल प्यार का मोल मैं कैसे चुकाऊं।